ये देखिए, यहाँ से लेकर पूरा उस साइड से और इस पहाड़ की चोटी के दूसरे वाले छोर तक पूरा इस तरह का एरिया पूरा जल चुका है। ये देखिए, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सौरभ बिस्ट ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ की नसीन सी वादियों में स्वागत है। और इस समय मैं जा रहा हूँ पैदल वाले रास्ते से रुद्रप्रयाग मार्केट, और घर का कुछ सामान लेने जाना है मुझे वहाँ मार्केट। और सुबह सुबह का समय है और 8:30 होने वाला है समय, और मैं निकल पड़ा हूँ अब पैदल वाले रास्ते से। काफ़ी वो पुराना रास्ता ये जो हमारे गांव के जब रोड नहीं हुआ करती थी तो इसी वाले रास्ते से हम लोग जाया करते थे। अब मेरे बैक साइड देख रहे हो पूरा जंगल जल चुका है। कल यहाँ पे पूरे जंगल में आग लगी हुई थी और पूरा जंगल पूरी तरह से जल चुका है। आपको यहाँ का एरिया दिखाता हूँ कितना एरिया पूरा जल चुका है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से लेकर पूरा उस साइड से और इस पहाड़ की चोटी के दूसरे वाले छोर तक पूरा इस तरह का एरिया पूरा जल चुका है। ये देखिए, पूरे जंगल में सब कल तक पूरी आग थी यहाँ पे और पूरा एरिया जल चुका है यहाँ से वहां तक। इस बार बारिश देखने को नहीं मिली है पहाड़ों में, और इस बार तो बहुत ही भयंकर वाली ठंड हो रही है भाई, सूखी ठंड जिसे कहते हैं। बारिश होती तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, बट इस बार तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है। बारिश इस बार हुई नहीं जिसकी वजह से और ज़्यादा ठंड लग रही है। काफ़ी ठंड देखने को पहाड़ों में आप लोगों को इस बार देखने को मिलने वाली है, तो देखते हैं कब तक बारिश आती है। अभी तो मौसम अभी भी थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं आज भी धूप आती है नहीं आती है, तो थोड़ी देर बाद पता चली जाएगा धूप आएगी। ये देखिए भाई, मैं काफ़ी नीचे आ चुका हूँ और ऊपर वाला एरिया आपको दिखाता हूँ कितने ऊपर साइड से मैं आया हूँ अभी और कितनी खड़ी चढ़ाई है। और नीचे आने के लिए आप इजीली नीचे आ सकते हैं, पर ऊपर जाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था पहले कि खड़ी चढ़ाई थी और सामान रहता था, तो लोग आराम आराम से जाया करते थे, जैसे गढ़वाली में कहते हैं बिसौड़, तो अलग अलग जगहों पर बैठने के लिए या वैसे रहता था, तो उन जगहों पर बैठ कर आराम से लोग अपना सामान ले जाया करते थे। तो पहले आपको दिखाता हूँ कितनी खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। तो ये देखिए भाई, हमारे गांव के लिए इतनी ऊपर साइड जाने के लिए खड़ी चढ़ाई है यहाँ से होके। ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से होते ऊपर खड़ी चढ़ाई, और वहाँ से जो ऊपर वाली चोटी वहाँ से घूम के रास्ता है हमारे गांव के लिए उस साइड के लिए जो कि दुकान तक जाता है। और अभी और नीचे जाना है तो काफ़ी बड़ा रास्ता होने वाला है, तो अभी बहुत सारा पैदल मुझे जाना है। जंगलों में आग लगने की वजह से जंगलों में घास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहाड़ों में कि महिलाओं को देखने को मिल रही है, तो जो खेतों के साइड पर जो घास होता है उसी से लोग काम चला रहे हैं, और जंगलों में चारों ओर आग लगने की वजह से पूरा घास समाप्त हो चुका है। तो इसकी वजह से लोग यहाँ बरसों गांव के खेतों में, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरा, ये जैसे शादी ब्याह में सजाने के लिए ये वाला यूज़ किया जाता था, बट इन लोगों ने यहाँ पर ये बना रखी है, बाउंड्री बना रखी है, और यहाँ पर शायद क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा होगा और इस समय आज भी होगा। ये वाली पिच है और ये देखिए, ये बाउंड्री बना रखी है साइड साइड पूरा इस एरिया तक, तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे मैच का आयोजन हो रहा है। तो और चलते हैं नीचे, और ये रहा नीचे बरसों गांव, तो पहले बहुत सारे मैच यहाँ पे हुआ करते थे। ये देखो काफ़ी सुंदर सी लोकेशन पे ये गाँव, मैं पहुँच चुका हूँ इस समय बरसों गाँव में, और यहाँ से बहुत ही अच्छी लोकेशन में ये गांव था और पहले बहुत सारे यहाँ पर लोग रहा करते थे। मैं बड़े दिन यहाँ से प्लान हुआ और यहाँ पर दिखाता हूँ, जो लोग वापस आए हैं उन लोगों ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे खेतों में काम करते रहते हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत सारी पत्ता गोभी लगा रखी है इन लोगों ने, तो ये देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक पत्ता गोभी लगा रखी है। काफ़ी सुंदर इन लोगों ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर लिया जो भी बरसों गाँव में वापस लौट कर आए हैं। ये तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा एरिया यहाँ से पत्ता गोभी लगा रखा है इन लोगों ने, और अलग अलग खेतों में अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिया है, और ऊपर पॉली हाउस बना रखा है। तो पहाड़ों में, अपने पहाड़ों में रहकर ही ये लोग कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर भी इस खेत में भी कुछ ना कुछ जरूर बोया होगा।
जो भी पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, जो भी आप सामान, अब अगर आप कोई भी साग सब्जियां उगाते हैं तो उनका सही रेट आपको रुद्रप्रयाग मार्केट या किसी बड़े मार्केट में नहीं मिल पाता है। उनसे थोड़ा सा डाउन में आपको उनको थोड़ा सा कम रेट में उनको देना पड़ता है और वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट में उस चीज़ को बेचते हैं। तो ये रहता है कि जो जो लागत मिलनी चाहिए थी वो वाली लागत नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी पहाड़ों में ये समस्या भी देखने को आप लोगों को मिलने वाली है। इस समय आ रखा हूँ मैं कमेड़ी गांव और यहाँ पे चाचा जी के घर पे आ रखा हूँ और यहाँ पर सुबह सुबह चाय पानी हम लोगों ने पी लिया है और रुद्रप्रयाग मार्केट में वीडियो बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे वहाँ पे। तो इस समय चाची जी के यहाँ पे घर पे आ रखा हूँ और चाची जी के साथ ही यहाँ से स्कूटी में ऊपर अपने गाँव के लिए जाने वाला हूँ। तो यहाँ का आपको प्यारा सा कुछ व्यू दिखा देता हूँ मैं पहले नज़ारा। सामने वाली चोटी पर धूप प्यारी सी खिली हुई है, अभी यहाँ गांव में धूप कमी आई है, गांव के छतों पर अभी यहाँ पे धूप आ पाई है। तो यहाँ पर अभी चाची जी हैं घर पे जिन्होंने हमें चाय बना के पिलाई, ये वाला घर है चाची जी का। तो चाची जी यहाँ पे घर में है और चाचा जी चलेंगे हमारे साथ। चाची जी लोगों का खरगोश भी पाल रखे हैं, दो हैं और एक ये है, तो काफी प्यारा सा खरगोश है ये देख सकते हैं। तो चाची लोगों ने ये पाल रखे हैं, काफ़ी सुंदर सा ये खरगोश है और एक दूसरा है तो ये भाग रहे हैं इधर उधर। सामने पे उस साइड में यहाँ पे मुर्गियाँ हैं वो तो सामने पे जा रखी हैं, तो आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये रहे सामने पे मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं चाची लोगों ने, तो ये कुछ ऐसा कुछ सुंदर सा नज़ारा है यहाँ का। तो आप जा रहे हैं अपने गाँव के लिए ऊपर के लिए, तो चाची जी बता रहे हैं अपने गांव के लिए ऊपर के लिए। तो आपको यहाँ का सुंदर सा व्यू दिखाता हूँ रोड साइड का। समय अपने गांव के फील्ड में आए और सिंगल सिंगल खेले जा रहे हैं यहाँ पे मैच, और यहाँ पे पहला यहाँ पे काना खेल रहा है और इस समय हम जुराब की गेंद खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काना लगा हुआ है और काना बढ़िया शॉट खेलता हुआ यहाँ पे पुल शॉट और आउट। और यहाँ पे ओवर को करो काना, तो यहाँ पे ऊपर सीधी शॉट खेलने की रखी हुई है जो साइड में जाएगी गेंद तो आउट माना जाएगा। तो यहाँ पे नहीं बल्लेबाज ऋतिक क्या यहाँ पे बड़ा शॉट खेल पाएंगे, और ये देखिए पुल किया थोड़ा सा हल्का सा ऑफ साइड के लिए, ये और अच्छी गेंद का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए मुमकिन है लेकिन और सोच समझ के खेल रहे हैं गेंद को, देख रहे हैं कहाँ पे टप्पा आ रहा है। ये देखिए और फील्ड में बहुत ही ज्यादा ठंड है, हमारे चाचा जी यहाँ पे धूप सेक रहे हैं पीछे, और यहाँ का कुछ सुंदर सा ये नज़ारा। फील्ड अच्छी तरह से सजी हुई है, बॉलर पे बात है बिगड़ लेता है या नहीं। तो फिर से काने की बॉल, ओहो क्या ये कैच होगा और कर दिया इन्होंने ये कैच, बड़ा शॉट था। रिप्लाई में देख सकते हैं यहाँ पे ऋतिक भाई आउट होते हुए, अब कैलाश की बैटिंग आती हुई। सर
उसे भी तो खाना पारो ने बोले वहां की चुपा। उस समय फिर से शॉट खेलने की कोशिश थी पर नाकाम कोशिश। ओ ये बढ़िया शॉट। चल बैट बनी चलना। ओह और ये नीचे के लिए गेंद पर फील्ड तक ही। फिर अगली गेंद कराने की कोशिश और ये नहीं ये तो काफी टर्न करा रहे हैं गेंद को। स्विंग हो रही है उछाल काम दे रहे हैं गति कमी रख रहे हैं। और ये अच्छा ओहो बढ़िया शॉट। चल बैट चलेगी दिमाग खराब। चार बॉल फिर से अगली गेंद करा रहे हैं। वाह पांच बॉल यहां पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर करेंगे। ये बड़ा शॉट खेला ये गया ऊपर पहाड़ की चोटी में 6 रन के लिए। और यहां पर एक नंबर शॉट वाइड बॉल ये काफी स्टंप से बाहर थी ये गेंद। अब इसे मोहाली से मंगाना पड़ेगा बहुत ही बाहर आउट। ये बढ़िया स्लोवर की गेंद थी। अच्छा डिफेंड किया इस गेंद को अगले बल्लेबाज मनीष बिष्ट। और यहाँ पे बातचीत चलती हुई रिप्लाई के लिए क्या कैमरे में रिप्लाई देखा जाए टक 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 जी ना और फिर से अगली गेंद आउट। ये कैसा गेंद मैं बाहर काफी सुंदर नजारा। और ये काना सिंह काफी बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वहां पे हमारे चाचा जी मुन्ना जी और ये कैच ड्रॉप कर दिया है काना ने। काफी शर्मनाक कैच ड्रॉप हुआ। इसको अब हम थोड़े देर बाद खच्चरों के साथ भेजेंगे। आज पावों का लोड और ये आउट हो चुका है। काफी बढ़िया गेंद यहाँ पे ऋतिक की। अब हम काना जी आ चुके हैं यहाँ पे। ये तो पहली बॉल में चलते बंद थे। ये काफी बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे काना सिंह। क्या हुआ था हमें खेलने में यहाँ पे क्या हुआ नहीं पा रहे हैं ना काफी खराब प्रदर्शन है यहाँ पे काना का। आज के दिन में एक चौका तक नहीं। कि अपने गांव की पिच दिखाते काफी नमी है और काफी छोटे छोटे यहाँ पे पत्थर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये काफी हार्ड पिच है। यहाँ पे गेंद में उछाल कमी रहता है टर्न होती है। और ये गेंद देख सकते हैं जुराब की है। तो जैसे किसी का जुराब फट जाता है उससे इस गेंद को बनाया जाता है। गांव में ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है फटी हुई जुराब का। हाँ तो यहाँ पर बकरियाँ भी यहाँ पे सामने पर दादाजी की बकरियाँ आप देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धूप सेकते हुए जिसमें गदरे के लिए यहाँ पे गाय के बच्चे को लेने के लिए आ रखे हैं। तो ऋतिक भाई ले जाएंगे इसके वो पकड़ के रस्सी को पकड़ के। और ये उसके लिए घास लेके आ रखे हैं हरी घास। और ये हरी घास को खिलाते ले जाएंगे। तो ऋतिक भाई निकालने पर लगे हुए हैं यहाँ और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन्हें निकल ही नहीं पा रहा है। और हमारे साथ चाचा जी भी हैं। तो चाचा जी हम साथ हमारे साथ जाएंगे नीचे गदरे के लिए। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ वीडियो हम पकड़ते हैं। खोलो दे पूरा घास दे लेते नहीं तो ये और चाहिए ना देखने सर बेहतर। तो यहाँ गौशाला के अंदर आए ऋतिक भाई यहाँ पे अंदर मिला दूसरी वाली रस्सी। वो वाली रस्सी नहीं निकल रही थी जिसे गढ़ वाले में कहते हैं गलेना। तो ये गलेना से नहीं खुल रहा है। अब इसको खोलेंगे हम और दूसरी वाली रस्सी लगा रहे हैं इस पे हम। तो ऋतिक भाई ले जाएंगे इसको।
अब घर जा रहे हैं हम लोग, बर्तन वगैरह खाना वगैरह खाने के बाद घर जाने वाले हैं हम लोग। आगे पे चाचा जी लगे हुए हैं और बीच में भी चाचा जी, और हम तीनों भाई लोग साथ में यहाँ से चल रहे हैं। किसी के पास कड़छी है, किसी के पास पोला, हाँ और चाचा जी के पास दो बर्तन है, हाँ ढक्कन है, ये लगे हुए हैं बर्तन। कुछ लोग अभी नीचे ही हैं, हैं अब घुमाऊ करना, और कुछ लोग अभी पीछे आ रहे हैं हमारे, काफ़ी